हाँ भाई बाल को एक बार आवाज कंफर्म करो आवाज आ रही है क्या आ रही है सभी को स्ट्रेंथ बताओ मुझे क्लास की कितनी रहती है भाई स्ट्रेंथ बताओ जल्दी से ताकि उस हिसाब से फिर हम आगे काम कर लेना कोई पचास बता रहा है कोई तीस बता रहा है आपस में तुम लोग सही नहीं बता रहे गुरकुल गुरकुल की होगी ना गुरकुल गुरकुल वालों की बताओ बस मुझे चलो ठीक है तीस के आसपास होनी चाहिए ना चलो तब तक एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को ठीक है एक क्वेश्चन मेरे पास भेजा था सारंग ने इन का क्वेश्चन है जल्दी से सॉल्व करके आप लोग आंसर बताओ चलो भाई सारे सॉल्व करके बताओ जल्दी से क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ तक जल्दी से सॉल्व करेंगे नजर आ रही है स्क्रीन नजर आ रही है जो सब सभी को जल्दी से बताओ स्क्रीन नजर आ रही है क्या सभी को साइड वाली वो वाली लाइट ज्यादा होगी ना फिर अगर वो, वो बंद करता हूँ तो मैं भी दिखना बंद हो जाऊंगा भाई लास्ट में थोड़ा इधर से रिफ्लेक्शन आ रहा होगा अच्छा एक मिनट रुको अब ठीक है क्या चलो ऐसे कर लो भाई और क्या मेरी शकल नहीं दिखेगी बोर्ड दिखना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है अविनाश अभी, अभी कुमार गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई हाँ भी हुआ क्या किसी से कुछ नहीं

हाँ भाई सबसे पहले तो इन का क्वेश्चन है ठीक है जी चलो आंसर आने शुरू हो गया पार्टी ने आंसर भेज दिया पहले पहले सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले इसमें से जो आपके वाले है, वाले हैं हैं इवन पावर उन्हें हटाएंगे ठीक है ना सबसे पहला काम क्या होगा इवन पावर वालों को हटाना तो अगर आप ध्यान से देखें एक्स स्क्र है तो यहाँ पे जो इवन पावर में आ रहा है और ये चीज जो है इवन पावर में आ रही सही बात है क्या इन दोनों को यहाँ से हटा दीजिए क्या बोलकर हटाना है आपको देखो अगर आप इस चीज की बात करो एक्सक्वेयर हमेशा पॉजिटिव रहेगा एक्स स्क्वेर कैसी क्वांटिटी है हमेशा पॉजिटिव रहेगी और जीरो होएगी कब जब एक्स की वैल्यू जीरो डालूंगा जीरो होगी कब जब एक्स की वैल्यू क्या डालूंगा जीरो डालूंगा अब यहां पर एक्स की जगह पे यदि मैं जीरो डालू तो इन का आंसर जीरो ग्रेटर इक्वल टू जीरो बिल्कुल सही बात है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है यानी आपको जीरो आंसर में देना है यानी आपको जीरो जो है वो आपको आंसर में देना है ठीक है बात ये और जब मैं इसको हटाऊंगा तो आपको एक्स की वैल्यू माइनस आंसर में नहीं देनी है ये भी याद रखिए एक्स की वैल्यू माइनस आंसर नहीं देनी क्योंकि माइनस दे दिया तो डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा अगर आपने माइनस टू आंसर दे दिया डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा तो आप क्या क्या गायब कर सकते हैं वो गायब कर दीजिए है ना पूरा इक्वेशन जो आपका बचेगा क्या बचेगा एक्सक्वेयर माइनस फोर एक्सक्वेयर माइनस फोर को भी आप तोड़ के लिखिए क्या लिखेंगे एक्स प्लस टू साथ में लिखा एक्स माइनस टू साथ में आया फोर एक्स माइनस सिक्सटीन अच्छा ये जो क्वांटिटी है ये वाली ये वाली जो क्वांटिटी है इसे भी आप हटा सकते हैं यहां से क्योंकि ये भी हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है बोलो सही बात है क्या क्या इस बात के लिए सभी तैयार हैं कि फोर की पावर ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बोलो जल्दी से यस yes लिख के भेजो अगर ये बात क्लियर है तो फोर की पावर एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जल्दी बोलो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है वो जीरो भी नहीं होता एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कैसा रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा बोलो सही बात है क्या तो अगर ये चीज हमेशा पॉजिटिव है और उसमें आपने सोलह और जोड़ दिया हमेशा पॉजिटिव है और उसमें सोलह और जोड़ दिया तो आप सोच के देखिए ये वाली ब्रैकेट तो हमेशा पॉजिटिव है और पॉजिटिव नंबर से इनइक्वलिटी में आप लोग क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो इस वाली ब्रैकेट को भी हमने गायब कर दिया से को हमने गायब कर दिया था नीचे क्या बचा नीचे बचा एक्स माइनस थ्री ग्रेटर टू जीरो पूरी कहानी मेरे पास अब बच चुकी है इसमें भी अगर आप लोग ध्यान से देखें हर्ष शर्मा कह रहा है वॉइस कटोरी अरे वॉइस पे बताओ यार सही आ रही है कि नहीं आ रही ये केवल हर्ष शर्मा के साथ ही प्रॉब्लम लग रही है मुझे भाई क्योंकि स्क्रीन भी तू पहले बता रहा था नेटवर्क नेटवर्क वीक हो हर शर्मा, वीक होगा तेरा भाई भाई शर्मा है है टावर खड़ा कर ठीक चलो भाई तो आगे बात करो सुनो ध्यान से मैंने क्या कहा एक्स की जगह पर आप यहाँ पे क्या करेंगे अब देखो ध्यान से ये वाली ब्रैकेट जीरो हो रही है कब ये वाली ब्रैकेट जीरो हो रही है कब जब आपने एक्स की जगह पे क्या डाला होगा टू यानी इस ब्रैकेट से जीरो आई टू और इस ब्रैकेट से भी जीरो क्या आ रही है टू इन दोनों ब्रैकेट से जो जीरो आ रही है वो कितनी आ रही है भाई टू आ रही है बोलो सही बात है क्या दोनों ब्रैकेट से जीरो टू आ रही है तो ये भी इवन पावर का, का काम कर रहे हैं ये भी किस चीज का काम कर रहे हैं इवन पावर का ही काम कर रहे हैं तो आप यहां से क्या करो आप यहां से इन दोनों को भी हटा दो लेकिन देख लो कि क्या एक्स की वैल्यू टू इस इन का आंसर होगा बिल्कुल होगा क्योंकि जैसे ही एक्स की जगह टू डालोगे तो जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बिल्कुल सही बात है यानी आपको ध्यान रखना है कि एक्स की वैल्यू आपने टू भी आंसर में देना है

यूनियन यूनियन कहां से कहा थ्री पे ओपन आएगा क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लाना थ्री से लेके कहा तक इन्फिनिटी तक थ्री से लेके कहा इनफिनिटी तक लास्ट स्टेप रिपीट करूं लास्ट स्टेप दोबारा बोल देता हूँ भाई हो क्या रहा है कि मैं ये देखता हूं कि जब जब ऐसा होगा कि मेरे पास किसी ब्रैकेट की इवन पावर आएगी तो मैं उस इवन पावर को वहां से हटा सकता हूँ ठीक है ना मुझे बस चेक करना होगा कि जिस जगह पर वो जीरो आ रही है क्या उसे इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है तो मैंने देखा ये वाली वैल्यू जीरो कब होती है जब एक्स की जगह आप दो डाले और ये वाली वैल्यू भी जीरो कब होती है जब आप एक्स की जगह पे दो डाले चार का स्क्वेयर सोलह सोलह माइनस सोलह जीरो तो ये दोनों ही एक तरीके से ही काम करेंगी मेरे लिए क्योंकि दोनों की जीरो टू आ रही है बेटा बस एक मिनट वेट करो है ना एक मिनट वेट करो फिर शुरू करता हूँ मैं हाँ जी बच्चों तब तक जरा आंसर वेरीफाई कर लो तब तक जब तक कैमरा इंस्टॉल वापस हो रहा है आंसर आपका आना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू और थ्री से इन्फिनिटी और साथ में इंक्लूड होगा जीरो और टू किस किस का आ गया ठीक है यही आ रहा है चलो भाई अब मैं नजर आ रहा हूँ जल्दी से बता दो ये टेक्नोलॉजी ने भी भाई परेशान कर रखा है कुछ नहीं पता चलता कब बंद हो जाए तो ये आंसर देखो सभी का आगे क्या जो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है ठीक है अगर वो दोनों नहीं हटाए विराज तो दिक्कत आएगी फिर गलत आएगा आंसर कारण है यही इसीलिए तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाया हुआ ताकि आपका वो वहां पे बच्चा गलती ही वहीं पे करेगा, क्योंकि दोनों रिपीटेड रूट आ रहे हैं ना आपको बार बार वही देखना पड़ेगा कि रूट्स कब आपके रिपीट होके आ रहे हैं, ठीक है बार बार देखना पड़ेगा रिपीट कहां पे किस पॉइंट पे रूट हो, रिपीट होके आ रहे हैं चलो भाई अब मैं हटा दू ये क्वेश्चन ये तो था मैंने तो टाइम पास कर दिया था उस समय क्या आप लोग कर लेंगे आगे करते हैं अब चलो तो भाई जो टॉपिक हम करने जा रहे थे थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपने देखा होगा टाइटल डाला था मैं ठीक है जी थ्योरी ऑफ इक्वेशन टाइटल डाला था थ्योरी ऑफ इक्वेशन जनरली होता क्या है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें क्वालिटी इक्वेशन के ही आते हैं है ना इसीलिए टॉपिक बनेगा चलो शुरू कर देते हैं दूसरी बात जो सुबह आपकी क्लास लग रही है सभी बच्चे अटेंड जरूर करें गिरीश सर की जो क्लास चल तो रही है सभी बच्चों ने वो अटेंड करनी है वो मस्ट है सभी के लिए है ना कहीं बच्चे की इस गलत फहमी में मात्र है ना कि हमने वो टॉपिक पढ़ रखे हैं है ना क्योंकि किसी भी टीचर से पढ़े वो हमेशा आपको दो तीन बातें एक्स्ट्रा बताएगा ही बताएगा तो वही आपके काम की भी होंगी है ना तो इसलिए जरूर सबने मॉर्निंग वाली क्लास भी लगानी लगानी ही ठीक है है बात ये चलिए अब हम शुरू करें एक बार यस लिख के भेज दो अगर सब कुछ क्लियर है, अब आवाज क्लियर है स्क्रीन क्लियर है जल्दी से यस लिखो फिर शुरू कर रहा हूँ हाँ ठीक है चलो यस लिख दिया सभी ने तो अपन स्टार्ट करें क्वारिटिक और सबसे पहले क्वारिटिक के अंदर जो आप हमारा मेन जो सबसे बेसिक काम है इस पूरे चैप्टर में वो है आपको ग्राफ की बहुत अच्छी नॉलेज होना ठीक है ना अगर क्वालिटी के ग्राफ की आपको अच्छी नॉलेज है तभी आप इस चैप्टर में कामयाब हो पाएंगे ठीक है तो सबसे पहले अपन क्वालिटी के ग्राफ से ही चीजों को शुरू करने वाले हैं। और कितने प्रकार के क्वालिटी के ग्राफ बनेंगे कर लूंगा कितने प्रकार के क्वालिटी के ग्राफ बनेंगे उन उनपे हम बात करते हैं ठीक है सबसे पहली बात तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक एक्सप्रेशन आपके सामने लिया एक्सप्रेशन क्या ले लिया यहाँ पे यहाँ पे लिख लेता हूँ वाई इज इक्वल टू मान लीजिए एक एक्सप्रेशन लिया ग्राफ आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा क्या आ रहा होगा मान लीजिए एक्स स्क् प्लस टू एक्स प्लस टू ठीक है ना ये मैंने कोई क्वालिटी का एक्सप्रेशन आपके सामने लिया अब मैं वो बेसिक बातों पे तो सबको जानकारी है ही उस चीज की कि क्वालिटिक का चलो फिर भी बता ही देता हूँ एक बार कहीं कोई बात में बताए कि क्वालिटिक की जो जनरल फॉर्म रहती है क्या रहती है वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ पर अगर आप कह रहे हैं कि ये क्वालिटी के तो कन्फर्म होना चाहिए कि ए जीरो नहीं होगा ठीक है बात ये कन्फर्म है कि ए आपका जीरो नहीं है क्लियर है बात ये ये आपका क्या बाकी तो सारी चीजें क्लियर ही हैं। आपको एक वहां पर क्या बोल देते हैं के अंदर अब आपको मिलेगा है ना? बाकी बेसिक बेसिक जानकारी आप सबको पहले से ही है तो इसलिए उसपे नहीं जा रहे ठीक है क्लियर इन इक्वालिटी काव्य अभी खत्म नहीं हुआ है आपका ठीक है इन खत्म नहीं हुआ है वो अभी ग्रीसर आपको करवाएंगे चिंता मत करो है ना इसलिए मैं उसको छेड़ नहीं रहा हूं मैं वो टॉपिक छेड़ रहा हूँ कोई नया सा टॉपिक है ना अभी करवाएंगे चिंता ना करो तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्स टू एक्स प्लस टू जैसा है आप लोगों से सबसे पहला काम आप लोग ये चेक करके बताएं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है वो जल्दी से बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव जल्दी से बताओ डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट चेक करना सभी को आना चाहिए d कैसा आ रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव जल्दी से रिप्लाई करके दो जल्दी 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 हाँ सभी ने चेक करके देखना है। अपने पास एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठे रहना है ना जिसमें आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर पाओ नेगेटिव आ रहा है सबको ये बात क्लियर है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है और लीडिंग कॉफिशेंट इसका पॉजिटिव है लीडिंग कॉफिशेंट वन है यानी कि पॉजिटिव है तो कंडीशन क्या कई कि एक तो लीडिंग कॉम्पिशेंट कैसा है यहाँ लिख देता हूँ लीडिंग कॉप्शेंट कैसा आया पॉजिटिव और इसका डी कैसा आ रहा है नेगेटिव तो लीडिंग कॉफिशेंट पॉजिटिव क्या डिनोट करता था क्या याद है आपको ग्राफ तो इसका पैराबोला बनेगा ग्राफ क्या बनेगा इसका पैराबोला बनेगा और लीडिंग कोफिशियंट पॉजिटिव का मतलब कैसा पैराबोला बनेगा अपवर्ड पैराबोला बिल्कुल सही बात है इस बात को लिख लें क्या इस बात को लिख लेते हैं यहीं पे जो पेज बनाया था हमने क्या कि ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब होने वाला है कि पैराबोला कैसा बनेगा अपवर्ड बनेगा अपवर्ड पैराबोला ठीक है जी ये पॉइंट आप छोटे छोटे अपने पास नोट करके रखते रहना ठीक है और ए नेगेटिव का मतलब क्या होने वाला है कि क्या बनने वाला है डाउनवर्ड पैराबोला है, का मतलब क्या होने वाला है? आपको कहा था उसका ग्राफ हम देखते हैं जो ये हमने इक्वेशन लिखी थी एक्स स्क्स टू एक्स प्लस टू तो अगर ये इस प्रकार की मेरे पास इक्वेशन है इसको आप थोड़ा सा और सिंपल करके भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा और सिंपल करके भी लिख सकते हैं क्या अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है x प्लस वन का होल स्क् प्लस वन बोलो सही बात है क्या ये लिखा हुआ है x प्लस वन का होल स्क्स वन करके लिखा हुआ है सोच के देखो इसका क्या आएगा ए स्क्र प्लस वन का स्क्वेयर वन आएगा प्लस टू ए बी टू एक्स आ और वन टू लिखा हुआ वन अलग से लिख रखा है ठीक है बात ये तो अब आप बड़े आराम से ये क्यों मैंने इस तरीके की फॉर्म में लिखा क्यों मैंने परफेक्ट स्क्वेयर की फॉर्म में लिखा क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू अब आप बता पाओगे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू अब आप बता पाओगे क्या बता पाओगे बताओ देखो ये तो स्क्वेयर है

तो ये एक्सप्रेशन की सबसे छोटी वैल्यू आने वाली है वन और या उससे बड़ा सबसे छोटी वैल्यू वन या उससे बड़ा क्लियर है बात ये और वो वैल्यू वन कब आ रही है जब आप की जगह पे क्या पुट कर रहे हो वो वैल्यू वन कब आ रही है वो वैल्यू वन, वन कब आ रही है बोलो की जगह क्या पुट करने पे वन आ रही है एक्सप्रेशन की वैल्यू वन क्या पुट करने पे आ रही है जल्दी से बोलो माइनस वन सही बात है क्या यानी एक्स की जगह पे जब आपने माइनस वन डाला होगा तो यहां कहीं पे जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या आया होगा वन ये सबसे छोटी वैल्यू है और अपवर्ड पैराबोला बनने वाला है पैराबोला कैसा बनने वाला है अपवर्ड बनने वाला है ठीक है ना तो आपका जो पैराबोला बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा समझ तो रहे हैं आप ऐसा सा बनता हुआ जाएगा इस तरीके से ऐसा सा पैराबोला बनता हुआ जाएगा ये सबसे छोटी वैल्यू यहाँ मिलेगी आपको ये पॉइंट पे बोलो सही बात है कि सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी ये पॉइंट कोई बता दे मुझे तो बताओ ये पॉइंट क्या आने वाला है ये पॉइंट क्या आने वाला है बोलो जल्दी से कैसे पता चलेगा हाँ आ गया आदर्श त्रिपाठी ने सबसे पहले भेजा है, जल्दी बताओ अरे ये पॉइंट क्या वाला कैसे पता चला? इस लाइन के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर एक्स क्या रहता है एक्सिस की इक्वेशन क्या रहती है एक्स बराबर जीरो एक्स एक्सिस की इक्वेशन वाई बराबर जीरो बोलो सही बात है क्या तो ग्राफ आपको दिख गया जैसे ही एक्स की जगह जीरो डालोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी टू आ जाएगी एक्स की जगह जीरो डालती है वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू तो ये पॉइंट आ गया आपका टू तो ये ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखो तो इस ग्राफ की खास बात क्या है कि ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा और जितने पॉइंट पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है उतनी ही जीरो आपको मिलती थी यानी कि इस केस में आपको एक भी जीरो नहीं मिलेगी इस केस में आपको एक भी जीरो नहीं मिलेगी और यही बात हम शुरू से टेंथ क्लास में भी हमने देखी थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो कभी भी रियल जीरो नहीं आती है यानी ग्राफ ग्राफ कभी भी एकस को कट करके जाएगा ही नहीं। ग्राफ कभी भी भी एक्सिस एक्सिस को को कट कट करके करके जाएगा जाएगा ही ही नहीं नहीं बोलो क्लियर है है क्या ये बात ठीक ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या ये मैंने मैंनेक्वेलिटी में भी आपसे डिस्कस किया था कि अगर ये कंडीशन कभी भी दिख जाए ये कंडीशन कभी भी दिख जाए इसको हमेशा दिमाग में रखना लीडिंग कोफिशेंट तो पॉजिटिव है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ये जो ग्राफ है इस ग्राफ का जो किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट देख लो हमेशा कैसा आ रहा है इस ग्राफ का वाई कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का देखो कैसा आ रहा है बोलो जल्दी से इस ग्राफ का वाई कोऑर्डिनेट हमेशा कैसा मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा बोलो सही बात है क्या क्योंकि ये जो ग्राफ है अगर कभी इसके नीचे आएगा ही नहीं हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा अगर ऊपर ही रहेगा तो ऊपर तो वाई हमेशा कैसा रहता है ऊपर तो वाई हमेशा कैसा रहता है पॉजिटिव ही तो रहता है वाई कोऑर्डिनेट अगर हमेशा पॉजिटिव आएगा y कोऑर्डिनेट यानी कि y इज इकोल टू क्या बोला था हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्स टू एक्स प्लस टू अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये y हमेशा पॉजिटिव आएगा यानी कि ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ठीक है ना एक्सप्रेशन हमेशा कैसा आएगा पॉजिटिव ही आएगा और वो हमें दिख भी गया था यहाँ से एक्सप्रेशन हमेशा वन से बड़ा आ रहा है तो यानी पॉजिटिव ही रहेगा क्लियर है तो यहां से स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना हो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जिसने जल्दी से लेना हो चलो ले लिया होगा यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आया उस पर बात कर लेते हैं यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैंने क्वाड्रेटिक के जो आपको पॉइंट्स लिखने को बोले साथ के साथ अभी तक ये पॉइंट हमने लिखे हैं तो यहाँ से जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे पास आया उसको लिख लेते हैं क्या कि इफ इफ a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0 अगर कभी भी ये कंडीशन आपको दिखे देन देन क्या होगा बोलो जल्दी से देन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन is always positive. क्या बात ये? इसी चीज से रिलेट करके थोड़ा सा देखो ध्यान से, इसी चीज से रिलेट करके जल्दी से बताना अब आप लोग जैसे कि मान लो मैंने अब की बार क्या लिया y बराबर में एक्सप्रेशन मैंने क्या ले लिया जो पहले लिया था उसी का नेगेटिव ले लेता हूँ ठीक है ना उसी का नेगेटिव ले लेता हूँ माइनस का एक्सक्वेर माइनस टू एक्स माइनस का टू जो एक्सप्रेशन पहले लिया था उसी का नेगेटिव ले लिया y x 2x, 2. तो इस का भी डी निकालो पहले डी डी बताओ क्या आ रहा है डिस्क्रिमिनेट जल्दी से बोलो डी कैसा आ रहा है डिस्क्रिमिनेट जल्दी से बताओ कैसा आ रहा है क्या नेगेटिव ही आ रहा है क्या इसका भी अरे अनुभव पॉजिटिव कैसे आ गया भाई पॉजिटिव आ रहा है वंश राणा भी पॉजिटिव बता रहा है जैसा समय चल रहा है आजकल कोई नहीं चाहता कि कोई पॉजिटिव आए सब यही चाह रहे हैं कि नेगेटिव आए समझ रहे हो आप ये आजकल का समय ऐसा है कि सब यही चाह रहे हैं कि नेगेटिव आए लेकिन कुछ बच्चों ने पॉजिटिव बोल दिया तो चेक कर ही लेते हैं भाई है ना चेक कर ही लेते हैं क्या बता पॉजिटिव ही आ रहा हो देखो भाई क्या आएगा इसका डिस्क्रिमिनेट जल्दी से बताओ डी की वैल्यू बी स्क्र बोलो कितना आएगा फोर बी स्क्वे माइनस फोर ए की जगह बोलो क्या है माइनस वन सी की जगह बोलो क्या है माइनस टू ठीक है बात ये तो ये तो मुझे तो नेगेटिव आता दिख रहा है फोर माइनस वन और ये कितना टू हो जाएगा अरे बोलो यार क्या नेगेटिव आ गया जल्दी से बोलो जिस जिसने पॉजिटिव बोला था जल्दी से बोलो किस किसने पॉजिटिव बोला था एक बार यस लिख के भेजो जिस जिसने पॉजिटिव बोला था कसम है तुम लोगों को है ना हाँ वंश राणा ने सुधांशु ने अब क्लियर है क्या शिवम प्रकाश क्लियर है क्या जल्दी बोल नेगेटिव आ रहा है अरे ये तो ये इसमें क्या बताऊंगा यार बोलो इस पर समय क्यों खराब कर रहा हूं इतना तो सबको क्लियर है ना चलो ठीक है नेगेटिव तो ये क्लियर हो गया कि डी कैसा आ रहा है नेगेटिव 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 अगर डी डी आ रहा है तो इसका मतलब इसका मतलब ग्राफ भी कभी भी कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा का मतलब नो रियल रूट और नो रियल रूट का मतलब ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा अगर डी नेगेटिव आ गया और साथ ही साथ ए भी कैसा आ रहा है नेगेटिव ए नेगेटिव का क्या मतलब होने वाला है डाउनवर्ड पैराबोला ए नेगेटिव का मतलब डाउनवर्ड पैराबोला और कभी भी टच करके नहीं जाएगा एक्स एक्सिस को टच करके नहीं जाएगा बोलो सही बात है क्या अच्छा अगर इस 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 वैल्यू को मैं दोबारा से लिख लेता हूं पे वैल्यू क्या थी y बराबर में माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये चीज क्या आएगी जो पहले लिखी थी ना एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन यही तो आएगी है ना माइनस साइन तो पूरे में से कॉमन ही ले लिया वही तो किया था मैंने पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखा था अब आप लोग जानते ही थे कि क्या कि इसकी जो वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशन की इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो वन या वन से बड़ी आएगी और बाहर माइनस है तो अब माइनस वन या माइनस वन से छोटी आ जाएगी बोलो सही बात है या तो माइनस वन आएगी या तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है क्या मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू आ रही है minus one, तो y की value minus one, है तो की ना और कब आ रही है वो वैल्यू माइनस वन जब आप एक्स की जगह भी माइनस वन ही पुट कर रहे हो बोलो सही बात है क्या यानी ये वाला पॉइंट डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा नीचे की तरफ जाएगा ऐसे सही बात है क्या ऐसे ये पॉइंट बता दे कोई मुझे जल्दी से कि ये पॉइंट कितना आ रहा है ये वाला जल्दी से बोलो ये पॉइंट कितना आएगा जल्दी बोलो जल्दी बोलो इस पॉइंट के लिए वही बात है ना इस इसकी इक्वेशन क्या होती थी एक्सिस की y -0. की बराबर 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 बोलो सही बात है क्या इसकी इक्वेशन होती थी एक्स बराबर जीरो की जगह जीरो डाल दो वैल्यू आ गई माइनस तो यानी ये वाला पॉइंट आ रहा होगा माइनस टू भाई ये देखना आना चाहिए आपको बार बार बोल रहा हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाडिटी के अंदर ग्राफ हद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा तो आपको कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जैसे ये ये जो एक्सप्रेशन दे रखे ना वाई इज इक्वल टू मान लो दे रखा होता है plus bx plus c जैसा कुछ दे रखा होता है तो इसी को ये वाई की जगह क्या बोल देगा एफ ऑफ एक्स भी बोलेगा कई बार एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्स बी एक्स प्लस सी समझ रहे हैं आप एफ ऑफ एक्स भी बोलेगा तो आपको बहुत तेजी से देखना आना चाहिए कि क्या आ रहा है यानी एक्स की जगह जीरो डालूंगा तो क्या मिलेगा एक्स की जगह जीरो डालूंगा तो क्या मिलेगा सी मिलेगा हमेशा याद रखिएगा इस बात को एक्स की जगह जीरो डालूंगा तो क्या मिलेगा सी मिलेगा ठीक है क्या बात ये तो ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड बनने वाला है क्लियर इस ग्राफ की अब बताना मुझे सब सारे सारे बच्चों को रिप्लाई चाहिए मुझे इस ग्राफ का वाई कोऑर्डिनेट कैसा मिलेगा पॉजिटिव की नेगेटिव इस ग्राफ का वाई कोऑर्डिनेट कैसा मिलेगा आपको पॉजिटिव की नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा सबको क्लियर है क्या अरे देखो ना ग्राफ हमेशा या तो थर्ड में बनेगा या फोर्थ में थर्ड में बनेगा या फोर्थ में तो थर्ड और फोर्थ में तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा कैसा आने वाला है देखो नेगेटिव ही तो आने वाला है सही बात है क्या ऊपर तो जाएगा ही नहीं कभी भी तो इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं वहीं पे जहां पे हमने वो सारी बातें लिखी थी ताकि आप बाद में इसको नोट कर पाएं इस को भी लिख लेते हैं क्या कि इफ हमने क्या देखा अगर ए नेगेटिव है और डी भी क्या नेगेटिव है ए भी नेगेटिव और डी भी नेगेटिव देन देन क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज कैसा मिलेगा हमेशा इज ऑलवेज नेगेटिव बोलो इज नेगेटिव क्लियर है क्या इज नेगेटिव ठीक है मेरे भाई सभी बच्चों को इतना पॉइंट क्लियर है यहां तक चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इस वाले पेज का ताकि जो पॉइंट है वो आपके पास रहे पहले तो इस इतने पॉइंट की ले लो ठीक है अब इसकी ले लो जल्दी से लो भाई स्क्रीनशॉट तब तक क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए कोई भाई गिरी सर की क्लास लगाते रहना मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको कोई भी बच्चा ये गलती ना करे कि वो सोच रहा होगी यहाँ पे मैं आगे पढ़ लूंगा और पिछले की जरूरत नहीं है ठीक है क्लासेस लगाते रहना सुबह वाली भी चलो अब आगे बढ़ू चलो अब एक्सप्रेशन देखो अगला एक्सप्रेशन जल्दी से तेजी से y बराबर में बोलो जल्दी से मान लो मैंने ले लिया क्या यहाँ पे y बराबर में ले लिया एक्स स्क्स एक्स प्लस फोर जल्दी से बोलो d कैसा आ रहा है जल्दी बताओ d d कैसा आ रहा है, कैसा आ d कैसा आ आ रहा है क्या डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है जीरो आ रहा है सही बात है और अगर डी जीरो आ गया अगर डी क्या आ गया भाई जीरो आ गया अगर डी क्या आ गया जीरो आ गया माने इसका एक रूट एक रियल रूट मिलेगा रिपीटेड रूट मिल जाएगा मतलब जो रूट आएगा दोनों रूट इक्वल आएंगे है ना डी जीरो का मतलब दोनों रूट कैसे आएंगे इक्वल आएंगे और वो रूट कौन सा आ रहा है <coughs> कौन सा आ रहा है जल्दी से बोलो रूट कौन सा आ रहा है अगर इसको आप देखो परफेक्ट स्क्वेयर लिखा होगा ये किस चीज का एक्स प्लस टू का होल हमेशा परफेक्ट स्क्वेयर मिलेगा तो बताओ रूट क्या आ गया रूट क्या आ माइनस टू आ गया क्या तो यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस टू ये आया माइनस वन ये आ गया माइनस टू पैराबोला अपवर्ड बनने वाला है क्योंकि लीडिंग ऑप्शन पॉजिटिव है लीडिंग ऑप्शन पॉजिटिव तो पैराबोला अपवर्ड यानी कि कुछ ऐसा सा ग्राफ आएगा ऐसा बोलो सही बात है क्या ऐसा से कुछ आ जाएगा ये पॉइंट के बारे में जानकारी दे दो ये पॉइंट के बारे में जानकारी दे दो कितना आने वाला है जल्दी-जल्दी जल्दी बताओ कितना आने वाला है फोर आने वाला है बिल्कुल सही और पॉइंट कैसे पता चला ये बार-बार आप बोलने की आदत होनी चाहिए बोलने की आदत ये पॉइंट एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है f ऑफ 0 को बोलो अभी पिछले पेज में बोला था

माइनस ऑफ माइनस ऑफ या पहला एक्सप्रेशन लिख ही देते हैं पूरा माइनस ऑफ एक्स स्क् माइनस ऑफ फोर एक्स माइनस ऑफ फोर पिछले वाले का बिल्कुल नेगेटिव ले लिया भाई ठीक है ना तो वाई बराबर में क्या दिखेगा आपको माइनस कॉमन लूंगा तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ही दिखेगा अब की बार क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा तो ये पॉइंट आ गया माइनस वन ये पॉइंट आ गया आपका माइनस टू तो डाउनवर्ड पैराबोला कैसा ऐसा आ जाएगा बोलो सही बात है अगेन ये वाला पॉइंट बोलो कितना आएगा आपकी बार एफ ऑफ जीरो बोलो जीरो पे कितना आएगा माइनस फोर आ जाएगा बिल्कुल सही ये आ जाएगा आगे माइनस फोर है ना याद रखना ये पॉइंट क्या होता है हमेशा एफ ऑफ जीरो जीरो कितना आ गया माइनस फोर फंक्शन में जीरो डाला माइनस फोर अब बाहर आ गया ठीक है क्या क्लियर चलो आगे बात करते हैं इसके बाद मान लीजिए कोई और एक्सप्रेशन लेके देखते हैं जैसे कि हमने एक्सप्रेशन क्या ले लिया X2, X2, बोलो एक्सक्सर माइनस सेवन एक्स प्लस लिया वाई बराबर में सेवन एक्स प्लस डी कैसा आ रहा है डी जल्दी चेक करके बताओ डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है डी कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है क्या डी पॉजिटिव आ रहा है चलो डी पॉजिटिव आ गया तो यानी कि दो रियल रूट मिलेंगे ग्राफ के इसके फैक्टर बनाओ जल्दी से क्या क्या आ गए एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस थ्री आगे क्या दो फैक्टर आगे क्या एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस थ्री यानी जीरो क्या फोर और थ्री फोर तो और 3 को मार्क कर लेते हैं ये 1, ये 2, ये 3, और यहां आगे मान लो 4. ठीक है जी इस प्रकार थोड़ा सा और बड़ा करके देखते हैं ना ताकि दिक्कत ना हो बाद में मान लेते हैं ना मान लेते हैं हमने लिखना ही तो है यहाँ थ्री मान लो और इसको फोर मान लो ताकि थोड़ा सा ग्राफ साफ सा बन जाए है ना तो जो ग्राफ आपकी बार आपका बनेगा अपवर्ड पैराबोला है ग्राफ आपका है अपवर्ड पैराबोला तो कुछ ऐसा सा बनता हुआ आएगा बोलो और ऐसा चला जाएगा सही बात है क्या अपवर्ड पैराबोला ऐसा सा आएगा और ऐसा चला जाएगा सही बात है क्या जल्दी बोलो ऐसा सा जाएगा ठीक है क्या आपको याद है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आपको याद है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट जल्दी से बोलो क्या होते थे याद है क्या किसी को जल्दी बोल दो क्या याद है वर्टेक्स कोऑर्डिनेट हम्म सभी ने एक्स कोऑर्डिनेट तो भेज ही दिया गुड एक्स कोऑर्डिनेट अर्जुन कुमार ने तो पूरा ही लिख के भेज दिया बहुत सही तो एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट भाई होते थे मैं अलग अलग से आपको पेज पे लिख के देता हूं कि ये अगर पैरा बोला है चाहे डाउनवर्ड भी हो तब भी चाहे डाउनवर्ड भी हो तब भी जो वर्टेक्स टेक्स से कॉर्डिनेट होते हैं ये कोऑर्डिनेट आपका कैसे पता चलता है आपको याद है क्या किसी को कैसे पता चलता था देखो इस कोऑर्डिनेट पे अगर आप ध्यान से देखें तो टेंजेंट लाइन का स्लोप चेक करो जरा कितना आएगा एक मिनट रुक जाओ बस देखो लाइन ऐसी जाएगी टेंजेंट सही बात है क्या बिल्कुल इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा और एक्सप्रेशन क्या होता था आपका एक्सप्रेशन याद है क्या ए एक्स स्क्वे प्लस बी एक्स प्लस सी यही तो एक्सप्रेशन होता था इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन ये आपको फंक्शन दे रखा है जैसे एफ ओफेक्स ये दे रखा है अगर आप डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंसिएशन को याद रखना एफ डैश एक्स भी बोल देते हैं डिफ्रेंशियट करो जरा कितना आएगा बोलो टू ए एक्स प्लस आ गया और इसको किसके बराबर यहां, कि कि यहां पर जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा यहाँ पे वो आएगा माइनस का बी बाय टू ए और जब ये वैल्यू आप एक्सप्रेशन में डालोगे तो वाई कोऑर्डिनेट आता है भाई माइनस का डी बाई फोर ए ठीक है बात ये ये नोट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है नोट कर लीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाय फोर ए क्लियर वर्ट एक्ट चाहे अलग नहीं आने वाला यहां पर भी यही आएगा माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बायर ए रूट नहीं आएगा भाई सीधा ही आता है क्लियर आगे बढ़ू स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से चलो अब पिछले क्वेश्चन पे वापस आओ जल्दी से अब मुझे ये पॉइंट आपको बताना वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट, क्या क्या आता है माइनस बी बाई टू ए तो माइनस बी बाई टू ए देखो कितना आएगा इस एक्सप्रेशन के लिए माइनस बी बाई टू ए बोलो जल्दी से क्या सेवन बाय टू आ जाएगा बोलो सेवन बाय टू आ जाएगा क्या और वाई कोऑर्डिनेट माइनस डी कितना फोर जल्दी से बताओ माइनस डी बाई फोर आप लोग ही बताओ मैं नहीं बताऊंगा भी बच्चे वन बाय फोर आ रहा है क्या हाँ बिल्कुल सही चलो माइनस वन बाय फोर सबने कंफर्म कर दिया माइनस वन बाय फोर ठीक है बात ये तो आपको वर्टेक्स का ये कोऑर्डिनेट भी मिल गया जल्दी से ये बताओ ये क्या आने वाला है एफ जीरो आने वाला है एफ जीरो एफ जीरो फंक्शन में जीरो पुट करके बताओ क्या आने वाला है ट्वेल्व आने वाला है तो यानी कि ये पॉइंट आ गया ट्वेल्व ठीक है 12. बात ये क्लियर अब यहां से इस प्रकार की देखो आप इस डायग्राम को देख के क्या क्या अंदाजा लगा सकते हो वो इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट क्या है डायग्राम देखिए क्या क्या अंदाजा लगा सकते हो तो जैसे कि मैं आपसे एक बात पूछता हूं ये एक्सप्रेशन था आपके पास है ना आपको वैल्यू नहीं डालनी है ये ग्राफ है इसका आपको वैल्यू डालनी नहीं है मैं आपसे सिंपल ये पूछता हूं कि अगर आप इस ग्राफ में इस एक्सप्रेशन में थ्री से फोर के बीच की कोई वैल्यू डालो क्या डालो थ्री से फोर के बीच की कोई वैल्यू डालो तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा जल्दी बोलो अगर तीन से चार के बीच की कोई वैल्यू डालू तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा जल्दी बोलो बेटा नेगेटिव आएगा जो पॉजिटिव बोल रहे हैं ध्यान से देखो बेटा तीन से चार के बीच में ग्राफ कहां जा रहा है नीचे जा रहा है बोलो तीन से चार के बीच में ग्राफ कहां आया नीचे आया तो इन पॉइंट के लिए वाई कोर्डिनेट क्या आ रहा है पॉजिटिव बोला था क्या बात समझ आ गई तीन से चार के बीच में ग्राफ नीचे आ रहा है और नीचे का मतलब वाई नेगेटिव हो रहा है अच्छा जल्दी बताओ अगर तीन से छोटी वैल्यू डालूंगा तो कैसा ग्राफ आएगा तीन से छोटी वैल्यू डालूंगा तो कैसा ग्राफ आएगा बोलो 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 हर बार पॉजिटिव क्यों क्योंकि आप देखो ये ग्राफ आएगा ये वाला हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर यानी पॉजिटिव चार से बड़ी वैल्यू डालूंगा तो कैसा ग्राफ आएगा चार से बड़ी वैल्यू डालूंगा तो कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा बोलो सही बात है क्या पॉजिटिव आएगा ठीक है क्लियर अब इसी से रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड अभी स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा चिंता ना करो क्वेश्चन क्या है इफ अल्फा एंड बीटा आर रियल ज़ीरोस इफ अल्फा एंड बीटा आर रियल ज़ीरोस ऑफ ए एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस सी देन फोर एनी वैल्यू एक्स विच विच डज नॉट बिलोंग टू विच डज नॉट बिलोंग्स टू विच डजनॉट बिलोंग्स टू क्या भाई विच डॉट बिलोंग्स टू एल्फा बीटा विच डज नॉट बिलोंग्स टू अल्फा बीटा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है जी ये आपका क्वेश्चन है भाई सबसे पहले तो क्लियर कि अगर अल्फा और बीटा रियल जीरो इंटरवल में नहीं आएगी एक्स की वो वैल्यूज जो इस इंटरवल में ना आए उसके लिए आप कौन सा ऑप्शन को करेक्ट बोलेंगे ध्यान से देखिएगा भाई है ना क्वेश्चन इस प्रकार है क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना हो फिर मैं आगे सॉल्यूशन दिखाता हूं चलो तो आपसे क्या कह रहा है आपसे सबसे पहले तो ये कह रहा है कि सबसे पहले तो ये कह रहा है कि जैसे ये होगा यहां आ गया मान लो एल्फा यहाँ आ गया बीटा वैसे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा बड़ा या बीटा बड़ा है ना क्वेश्चन में मेंशन रहता है तो मैंने अपनी ओर से आपको दिखा दिया क्वेश्चन मान लो ये है अल्फा बीटा तो या तो देखो अब ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बोला है उसने ऐसा तो बोला नहीं कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो या तो जो ग्राफ बनेगा या तो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा बोलो सही बात है या तो वो ऐसा बनेगा या फिर या फिर कैसा बनेगा बोलो या फिर कैसा बनेगा अगर यहाँ अल्फा है यहाँ बीटा है तो या फिर आपका ग्राफ कैसा बनेगा भाई ऐसा बनेगा नीचे की ओर से आता हुआ ऐसा। सही बात है ये कब होगा जब ए आपका पॉजिटिव हो तब ये कंडीशन होगी जब ए नेगेटिव हो तब ये कंडीशन होगी क्योंकि अल्फा बीटा जीरो तो अल्फा बीटा से तो पास करेगा अगर अल्फा बीटा जीरो अल्फा तो बीटा से तो पास करेगा बोलो सही बात है क्या ठीक है अब कह रहा है कि आपने जो एक्स उठाना है वो एल्फा बीटा के इंटरवल में नहीं आना चाहिए से बीटा यानी ये ये वाली value, ये वाली वैल्यू तो वैल्यू तो, तो बताओ एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी अगर यहां से नहीं उठाया तो एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी आएगी इस वाले के लिए बोलो अगर आपने एक्स की वैल्यू यहां से नहीं उठाई तो कहां से उठाई होगी या तो इधर से उठाई होगी

से उठा इस वाले के लिए बोलो जरा अगर अल्फा बीटा की वैल्यू इधर उधर से उठाई तो कैसा आएगा ये वाली वैल्यू बोलो कैसी आएगी नेगेटिव आएगी तो दूसरा जो इसमें ऑप्शन एक तो एक्सप्रेशन आएगा वो कैसा आएगा? आएगा बोलो क्लियर है क्या क्वेश्चन क्लियर है तो वाई लिख के भेजो स्क्रीनशॉट ले लो सबको क्लियर आगे बढ़ू चलो भाई अब अगला आगे बढ़ता हूं है ना है ना अब आगे कुछ और पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए क्या क्या अभी तक की बातों से है ना जो बचपन से आपने जो पॉइंट पढ़े पहले मैं उन पे ले आता हूँ कि अगर ऐसा है कि डी ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब क्या रहेगा टू रियल रूट्स आपको मिलते हैं टू रियल रूट आपको मिलते हैं ये आपने बचपन में पढ़ लिया फिर आपने पढ़ लिया कि d अगर कल को जीरो हो जाए तो आपके जो दो रूट्स मिलते हैं टू इक्वल रूट्स मिलते हैं रियल तो होते ही हैं टू रियल एंड बोलो टू रियल एंड इक्वल बोलो सही बात है क्या ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया अच्छा ये भी पढ़ लिया आपने कि d अगर नेगेटिव हो जाए तो कैसा रहेगा टू इमेजिनरी रूट्स बोल दो है ना या कॉम्प्लेक्स रूट बोल दो है ना ज्यादा सही रहेगा इमेजनरी वर्ड से ज्यादा अच्छा है कॉम्प्लेक्स क्योंकि वो केवल इमेजनरी नहीं होते वो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो इमेजिनरी नहीं होते कॉम्प्लेक्स क्योंकि रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी भी होता है ना तो टू कॉम्प्लेक्स रूट बोलेंगे क्या कि कल को अगर ऐसा हो जाए कल को अगर ऐसा हो जाए क्या कि जो डी हो वो आपका अगर हो जाए डी क्या हो जाए आपका परफेक्ट स्क्वेयर बोलो सही बात है बोलो डी अगर परफेक्ट स्क्वेयर हो जाए तो क्या मिलने वाला है आप जानते हैं क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मुला याद होगा माइनस बी बाई प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू यही तो होता था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो इसके अंदर अगर ये कल को डी जो है D वाला वाला पोर्शन पोर्शन अगर अगर ये D वाला portion, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए बोलो तो रूट कैसे आ जाएंगे जल्दी से बताओ अगर ये चीज परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या रैशनल रूट्स मिलेंगे हमेशा जल्दी बोलो अगर डी कल को परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो रूट्स हमेशा कैसे मिलने वाले हैं रैशनल मिल जाएंगे बोलो क्योंकि परफेक्ट स्वेयर है उसका स्क्वेयर रूट करोगे वो तो नंबर ही आएगा कोई और समथिंग बाय समथिंग बाई समयू फॉर्म रैशनली तो होती है तो हमेशा रैशनल रूट मिलेंगे किसी भी परिस्थिति में इरेशनल नहीं आएगा अगर परफेक्ट स्क्र हो गया डी तो दोनों रूट कैसे आ जाएंगे बोलो रैशनल आएंगे यार वाई तो लिख के भेज दो कम से कम है जिस चीज को क्लियर हो रहा है वो तो वाई लिख के भेजो चलो वाई लिख के भेज दिया सही है तो इसका मतलब इसको लिख लेते हैं बात को नीचे कि अगर ऐसा है कि डी डी अगर परफेक्ट स्क्वेयर हो जाए तो क्या मिलेंगे आपको टू रैशनल रूट है ना ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा टू रैशनल रूट्स और इसका वाइस वर्षा है ना वाइस वर्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन में ये गिवन करेगा कि अगर दो एक इक्वेशन है क्वालिटिक जिसके दोनों रूट रैशनल है एक इक्वेशन है क्वॉरिटिक जिसके दोनों रूट कैसे हैं भाई रेशनल हैं अगर दोनों रैशनल हैं तो आपके दिमाग में फौरन कूदना चाहिए कि डी कैसा रहा होगा परफेक्ट स्क्र रहा होगा आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए कि अगर दोनों रूट रैशनल है तो डी कैसा रहा होगा परफेक्ट स्केर रहा होगा बोलो क्लियर है ठीक है एग्जाम्पल आप अपनी ओर से बना सकते हो और कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज नहीं है है ना एग्जाम्पल आप अपनी ओर से बना सकते हो क्या दिक्कत है इस चीज में कभी भी डी परफेक्ट के बना दो डी की वैल्यू जीरो तो लाते ही हो आप लोग उस केस में भी तो रैशनली आते हैं है ना डी की जगह फोर आ जाए नाइन आ जाए समझ हो यहाँ डी की जगह डिस्क्रिमिनेंट फोर आ जाए नाइन आ जाए तो परफेक्ट आ जाएगा उसमें क्या दिक्कत है आ सकता है ठीक है चलो भाई आगे बात करते हैं कि कल को आप ये भी बात ध्यान से देख लो आप लोगों ने ये अच्छे से देख लिया क्या कि कंडीशन कंडीशन क्या है कि इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर है ना Q का मतलब होता है नंबर। इफ ए बी सी बिलोंग्स तो लिखा था आपने ठीक है ना अब इसको मैं दो रूट्स में तोड़ सकता हूँ एक रूट तो है माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए बोलो ऐसे लिख सकता हूँ इसको भाई जो डिनोमिनेटर है उसको दोनों के नीचे लिखा जा सकता है ठीक है ना अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है ये वाला ये आपका रैशनल पार्ट है है ना ये आपका रैशनल पार्ट है अगर डी कल को आपका परफेक्ट स्क्वेयर ना हो अगर डी कल को परफेक्ट स्क्वेयर ना हो तो ये वाला पार्ट तो रैशनल वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट कैसा आएगा इेशनल जैसा आएगा बोलो सही बात है क्या इस चीज को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन ए फोरे ऐसा भी तो लिख सकते हो इसमें क्या दिक्कत है ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके जो दोनों रूट आ रहे हैं इसके जो दोनों रूट आ रहे हैं दोनों रूट को मैं दोबारा लिखता हूँ क्या क्या आ रहे हैं एक तो आ रहा है माइनस बी अपॉन टू ए प्लस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन ए स्क्र और जो दूसरा रूट आ रहा है वो आ रहा है माइनस बी अपॉन टू ए माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन ए स्क्वेयर तो इस बात को हम कैसे बता सकते हैं इस बात को बताने का तरीका क्या होगा कि अगर इस चीज को मैं पी बोल दूं, तो ये चीज क्या आ गई अंडर रूट क्यूब हो आ गई तो पी प्लस रूट क्यूब तो दूसरा रूट हमेशा क्या आएगा बोलो माइनस रूट क्यू क्लियर है क्या बात ये अगर एक रूट पी प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट हमेशा क्या आएगा पी माइनस रूट क्यू ही आएगा क्लियर है ठीक है बेटा डी का स्क्वेयर नहीं आएगा ललित यादव डी का स्क्वेयर क्यों आएगा डी तो पहले ही रूट में था ना रूट डी था ठीक है तो अब ये पूरी कहानी का सार ये यहां से शुरू होता है ध्यान रखना p प्लस रूट क्यू अगर एक रूट है तो दूसरा p माइनस रूट क्यू होगा इसे कहा जाता है कंजुगेट ऑफ फीच अदर क्या कहा जाता है कंजुगेट कंजुगेट शब्द को ध्यान रखना कंजुगेट शब्द ठीक है ना कंजुगेट और ये सब होता कब है ये ध्यान देना स्टार्टिंग में कंडीशन लिखवा चुका हूं मैं यहां देखिए ये कंडीशन जो लिखवाई थी ये वाली ये कंडीशन में लिखवा चुका हूं ये वाली ये इम्पोर्टेंट है कंडीशन तभी ये चीज लगेगी ठीक है इस पर लट्टू बना लो चाहे तो लट्टू बना लेना ठीक है कि अगर एबीसी रैशनल है तभी ये सब होगा अदरवाइज नहीं ठीक है क्लियर सभी को स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसने लेना हो मैं आपको स्टार्टिंग से पेज दे रहा हूँ ये वाला है ना एक बार स्टार्टिंग से आप लोग स्क्रीनशॉट रख लें पहले तो आप ये वाली चीज रख लें जल्दी स्क्रीनशॉट लो ठीक है यहां तक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट उसके बाद भाई यहां से ले लो स्क्रीनशॉट उसके बाद भाई ये ले लो स्क्रीनशॉट ठीक है जी तो अब यहां से आगे बहुत सिंपल सी चीज कि मान लीजिए है ना क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर अगर ऐसा है कि ए बी सी रैशनल नंबर को बिलोंग करते हैं और अगर एक रूट वन रूट वन रूट इज कितना वन रूट इज कितना गिवन है मान लो आपको वन रूट इज है मान लो, लो दे रखा है टू प्लस रूट थ्री तो आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए कि अगर अल्फा आपको टू प्लस रूट थ्री दिया हुआ है तो कंफर्म है कि बीटा क्या आने वाला है टू माइनस रूट थ्री यानी उन्हें दोनों रूट आपको दे दिए समझ रहे हैं आप ये उस, उसने आपके अंडरस्टैंडिंग पे छोड़ दिया कि अगर एक रूट टू प्लस रूट थ्री है तो दूसरा आप अपने आप समझ जाए टू माइनस रूट थ्री आने वाला है आने वाला है आने वाला है बोलो क्लियर ठीक है भाई सभी को ये पॉइंट इसी के अंदर अब कल को अगर ऐसा हो जाए कि सर ए बी सी रैशनल नंबर ना हो है ना एबीसी अगर कोई भी नंबर हो जाए दुनिया का रियल नंबर हो जाए है ना रियल पे बात करते हैं इसी के अंदर अगला पॉइंट आप जोड़ के लिख लीजिए क्या कि इफ इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर आपकी बार किसको बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना अगर एबीसी किस को बिलोंग कर रहे हो रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हो तो उस परिस्थिति में क्या होगा ध्यान से देखिए अगर हमारा एक रूट क्योंकि आपकी बार हाँ रिकॉर्डिंग में अवेलेबल करा दूंगा भाई है ना एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर है अगर और अगर हमारे पास क्या हो जाए इस केस में देखिए आपके जो दो रूट आ रहे हैं अब तो कॉम्प्लेक्स रूट भी आ सकते हैं अगर जो दो रूट आ रहे हैं अगर वो कॉम्प्लेक्स रूट भी आ रहे हैं तो उस केस में क्या होगा अगर मान लो एक रूट आपको गिवन है कि P प्लस आयोटा क्यू कॉम्प्लेक्स रूट में क्या आएगा आयोटा आ जाएगा ठीक है ना कॉम्प्लेक्स रूट में क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू पी माइनस आयोटा क्यू हो जाएगा क्लियर है अगर एक रूट पी प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा क्या हो जाएगा पी माइनस आयोटा क्यू ये पॉइंट भी आप नोट करके लिख लीजिए ठीक है यहां तक क्लियर है क्या सभी को जल्दी बोलो भाई ठीक है चलो अभी तक की जितनी भी बातें हमने करी भाई ये सारी बातें क्या थी पुरानी थी है ना ये कहीं ना कहीं टेंथ क्लास में भी आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं क्लियर है बात ये मैं आपको तीन चार क्वेश्चन देता हूं सॉल्व करने के लिए ठीक है मैं आपको तीन चार क्वेश्चन देता हूं सॉल्व करने के लिए क्लियर तो वो तीन चार क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करके फिर आना है कल की क्लास में ठीक है मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा ये तीन चार क्वेश्चन दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन है फॉर्म एक्सप्रेशन फॉर्म आ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रैशनल कोफिशेंट With rational coefficients, whose, whose one root is रैशनल मैं आपको तीन चार पार्ट दे रहा हूं है ना पहले पार्ट में जो रूट है वो है आपके पास टेंजेंट सेवेंटी फाइव अब आप बोलोगे सर tangent सेवेंटी फाइव की वैल्यू ये आपको निकाल के लानी है ये आपने ट्रिग्नो में पढ़ा हुआ है तो आप नोट्स घुमाइए tan सेवनटी फाइव देखिए और फिर इसका कंजुगेट देखिए वो आपको करना है ठीक है ना दूसरा पार्ट अगर जो एक रूट है अगर वो कितना हो कॉफ थर्टी सिक्स जिसको ना मिले वो नेट पे भी वैल्यू देख सकता है क्या आ रही है 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 ना और तीसरा पार्ट में में दे है, टेंजेंट पाई बाई एट, पाई में, रेडियन में दे रखा रखा रेडियन आपकी बार ठीक है ना तो ये तीन पार्ट है आपके पास अगर एक रूट रूटेंट पचहत्तर है तो दूसरा आपको ढूंढना पड़ेगा कंजुगेट उसका क्या आएगा ये पता है तो उसका क्या आएगा ये पता है तो ये क्या आएगा है, है ना सीधा नहीं देता कभी पेपर में कि लो जी एक रूट अगर टू प्लस रूट थ्री है तो दूसरा बताओ क्या आएगा ए प्लस हाँ आगे है आदर्श अभी तो यार कुछ भी नहीं पढ़ा हमने ना अभी तो मैंने चैप्टर स्टार्ट ही किया है है ना ये बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में थ्योरी ऑफ इक्वेशन बहुत बड़ा चैप्टर है तो अभी सारी कंडीशन में लिखवाऊंगा ये तो आज का समय हो चुका है इसलिए मैंने आज ये क्वेश्चन छोड़ दिए ठीक है शिवम प्रकाश कह रहा है एक क्वेश्चन करके बता दो एक क्वेश्चन करके बता दू देख ये वाला क्वेश्चन मैं तुझे बता देता हूँ मान ले जैसे ये वाला है कि अगर एक रूट टेन सेवेंटी फाइव है तो इसकी वैल्यू तुझे ढूंढनी पड़ेगी क्या आएगी है ना खुद निकालना है ठीक है सर इनइक्वाली वत्सल कह रहे हैं इन इक्वाल्टी ओवर नहीं भाई वत्सल इन इक्वलिटी ओवर नहीं हुआ है दोबारा मेरी बात ध्यान से सुनिए जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो आप गिरीश सर के लेक्चर से जरूर करते रहिए है, है ना मेरे पास अगर मौका मिला तो मैं भी करवा दूंगा ठीक है जो लॉक के इन इक्वाली वगैरह आपकी बाकी है वो भी करवा देंगे चिंता ना करें लेकिन बार बार मैं वही कह रहा हूँ कि सुबह मॉर्निंग की क्लासेस अटेंड करते रहना गिरीश सर की क्लास मिस मत करना है ना जो बच्चा गिरीश सर की क्लास मिस करेगा उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है फिर ठीक है तो वो आपको करते रहना मैंने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया भाई कोई बात नहीं गिरीशर जो भी चैप्टर करवा रहे हैं आप वो कीजिए है, है ना कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज नहीं है भाई मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अगर आपने आई ले लिया तो है ना और उसके लिए आपको हर टीचर से देखो जहां जहां से जितना आप ले पा रहे गेन कर पा रहे उतना सीखिए अभी ये चैप्टर मेरे से आप कर रहे हैं कोई बात नहीं इसके बाद जब सर पढ़ाएंगे वो भी आप करिए है, है ना वो भी आप कर सकते हैं कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज़ क्या है जब मिल रहा है तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब ना मिले तब दिक्कत करते हैं समझ रहे हैं आप जब चीजें मिल रही हों तो फिर दिक्कत मत करो जितना जहां से मिल रहा है उसको कोशिश करो हाँ मेरी क्लास भी डेली होगी भाई है ना मैंने इसीलिए नया चैप्टर उठा लिया आराम से दस से अपन दिन इसको सीख के बढ़िया आपको पूरी मॉड्यूल करवा के दूंगा इसकी है ना मॉड्यूल आप लोग खुद लगाएंगे आप देखना है ना तीन चार दिन रुक जाओ फिर आप मॉड्यूल भी लगाना मैं क्वेश्चन बताता रहूंगा तो भाई टेन सेवनटी फाइव की वैल्यू होती है टू प्लस रूट थ्री है ना आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा वो आपको निकालनी पड़ेगी टू प्लस रूट थ्री तो निकालनी पड़ेगी कैसे आई कैसे निकालोगे सेवनटी फाइव को क्या लिखते हैं अपन फोर्टी फाइव प्लस थर्टी और ये टेन ए प्लस b का फॉर्मूला लगेगा क्या लगेगा टेन ए प्लस b का फॉर्मूला वहां से ये आंसर आएगा वो तो आपको निकालना पड़ेगा अगर एक रूट टू प्लस रूट थ्री है तो आने वाला है तो इक्वेशन को लिखते कैसे अपन याद है क्या ये तो आपने लिखा ही हुआ एक्स स्क् माइनस सम ऑफ रूट बोलो याद है क्या अरे टेंथ में प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट ऐसी तो लिखते थे किसी भी क्वालिटी को तो क्वालिटी क्या आएगी एक्स स्क् माइनस सम ऑफ रूट इन दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है Four. बोलो आ रहा है कि नहीं फोर आ रहा है जोड़ने पे और प्रोडक्ट करने पे कितना आ रहा है One. तो ये आपके पास क्वालिटी ठीक है आशुतोष तो वीडियो नहीं आ रहा बेटा तेरा नेट कमजोर हो गया है उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा आज की क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं कल की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे तो सब कुछ ये रिवाइज करके आ जाना भाई ठीक है ना चलिए गुड एवरीवन वन भाई तो भाई तुम्हें सारी क्लासेस सुनो बच्चों सारी क्लासेस कुरुक्षेत्र वाले टीचर से कर लो ज्यादा बेटर है है ना क्योंकि आप फिजिक्स में भी आ गया हो ऐसा कर सकते हैं क्या क्यों तो बच्चों क्यों तो भाई है ना ये ज्यादा बेटर रहेगा ना क्योंकि आपने देखा होगा विशाल सर भी उतना ही यस चलो ठीक है ठीक ठीक है है भाई चलो मिलते हैं कल आपसे है ना कल की क्लास में ये तो सर अट्ठाईस के आसपास